हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए सीधा गेम पर चलते हैं और देखते हैं आज का मैच किसके साथ में है हमारी टीम का। तो गाइस, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं मेरे अपलोड किए हुए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके पास मिलते रहे और आप मेरे एक भी वीडियोस को मिस ना करें। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए कि मेरे वीडियोज़ में इम्प्रूव होना चाहिए या कुछ और आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर किसी और गेम के वीडियोज़, तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताइए। ट्राई करेंगे हम कि जल्दी वो गेम्स भी हम ला पाए आपके लिए, लाइव स्ट्रीम हो या फिर वीडियोस डालना हो डेली, तो ट्राई करेंगे कि हम लेके आ पाए आपके लिए जल्दी से जल्दी, उस आपकी डिमांड पूरी कर पाए हमारे चैनल पे, क्योंकि आपका हमारे साथ बने रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए मेरे वीडियोज़ में, तो हमें पता चले और हम उस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करते रहे। तो आज का मैच जो है वो है धुले क्रिकेट स्टेडियम पर, धुले की टीम और हमारी टीम डोमवेली के बीच में क्लब 3 डे मैच है। बैकग्राउंड वॉइस कुछ भी ना है लेकिन क्या है कि हमारे बाजू में ही जो हमारा घर है उसके बाजू में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके वजह से आवाज़ तो आती ही रहती है उसमें, तो ज़्यादा कुछ मैं हेल्प नहीं कर सकता उसमें। मैं ट्राई करता हूँ मेरे एंड से कि मैं बहुत ज़्यादा तरीके जितना हो सके उतना बैकग्राउंड नॉइस को मैं निकाल सकूँ बाहर, तो प्लीज समझ के लीजिएगा उस चीज के बारे में। तो दूल्हे के कैप्टन ने टॉस उछाला है, हमारे कैप्टन ने लिया है हेड्स। देखते आज तो टॉस जीतेगा नहीं, और हमारा कैप्टन टॉस जीत चुका है लेकिन टॉस जीत रहे हैं, मैच जीतते कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। पहली मैच हम जो पार्टन के सामने थे वो पूरी तरीके से हार गए। अगेन जिस तरीके से हमेशा की तरह मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा अपोजिट ही मेरे इस कैप्टन का चॉइस रहता है। मैं सोच रहा था बैटिंग करना चाहिए पहले लेकिन मेरे कैप्टन का चॉइस है बॉलिंग, तो देखते कितना हद तक मेरे कैप्टन का जो चॉइस है वो बेनिफिट होता है। हम आ चुके हैं फिर से बॉलिंग के लिए और हम देखते कि आज अपने टीम के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। बढ़िया स्टार्ट। तो एस मोहम्मद और एस इन बैटिंग कर रहे हैं। बढ़िया शॉट, सिंगल आ जाएगा इस ओवर में पहला, और हमारे ओवर्स में सबसे फर्स्ट रन आने शुरू हो चुके हैं। हमें ओवर भी दी गई है पूरे 11 ओवर के बाद, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो हमेशा से मेरा फेवरेट है, जिनको बॉलिंग करना मुझे बहुत पसंद आता है और इसी वजह से पसंद आता है। देखिए क्योंकि एक तो एंगल अक्रॉस हो जाता है हमारा, और एंगल अक्रॉस से अगर हम बाहर की तरफ बॉल डालें तो वो डिफिकल्ट हो जाता है खेलने के लिए। ओए बच गया रे, आएगा आएगा। चलो गाइस बढ़िया बॉलिंग हो रही है आज, छट पटा रहा है प्लेयर। ओ एज लगी यार, हट, क्यों प्लेयर नहीं रखा था एज के लिए, शिट यार, वरना आ जाती पहली विकेट पहले ही ओवर में। आज तो ओवर की समाप्ति हो गई है 40 रन पर एक विकेट, और अगले ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन हो चुके हैं। मुझे लगता है मुझे जिस तरीके से मैंने इस बैट्समैन के लिए फील्ड लगाई उसी तरीके से उसके लिए भी फील्ड लगानी चाहिए, तो चांस मिलेगा मुझे विकेट लेने का। तो अगले ओवर में देखते हैं शायद फील्ड चेंज करके कि फिर से अगर एज लगे और एज जाए स्लिप्स में तो मजा आए। मैं अभी थोड़ा ट्राई करता हूँ इसको सेटअप करने के लिए, बाहर 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 बॉल डालेंगे फिर आखिरी के दो बॉल अंदर डाल के देखेंगे कि क्या विकेट मिल पाती है। फिलहाल तो अच्छा ड्राइव लेकिन कोई रन नहीं। बढ़िया बॉल, एज लगते लगते बच गया। तो अभी चलिए आखिरी दो बॉल आ रहे हैं तो हम उसको इन स्विंगर्स डालने का ट्राई करेंगे आखिरी दो बॉल पर, और ट्राई करेंगे कि विकेट मिल जाए। अच्छा सेट किया उसको लेकिन फिलहाल तो कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन बाउंड्री ज़रूर चली गई है यहाँ पर।
हमारे ओवर में पहली बाउंड्री जाते हुए। फिर से एक बार ट्राई करते, ओए बच गया रे। ओवर की समाप्ति, 4 रन आए इस ओवर से 14 ओवर के बाद, 46 पर 1। पहले विकेट काफी जल्दी गिर गई थी उनकी, तो उन्होंने उसके ऊपर के बाद में एक पार्टनरशिप अच्छी बना ली अभी तक 46 रनों की, और ये उठा के मार दिया है बाउंड्री। पहले ही बॉल पर बाउंड्री, घटिया बॉलिंग हमारी, और बढ़िया बॉल वापिस से कम बैक किया अच्छे से। बढ़िया बॉलिंग, ऑलमोस्ट एज लग के सिंगल आया इस बार, 50 पूरे हो चुके हैं। और जैसे मैंने बोला था, इसको भी थोड़ा एग्रेसिव रखते हैं हम फील्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा झल्ला रहा है बैटिंग करने के लिए, शायद एज लग के हमें विकेट मिल जाए इसकी। अब बरोबर टाइम हो गया, इतना देर से एज लग रहे थे, डिफेंड नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही हमने फील्ड अंदर लाई तो अचानक से इसकी ड्राइविंग इतनी अच्छी हो गई। सही है यार ये गेम का। ओए यही चाहिए अपने को। They're trying too hard, I think, to really smash it rather than just time it. Catch it, yaar. 9 run aaye. Thoda mehenga over hamara ye. और जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि हमने थोड़ा सा यहाँ पर रन रेट का जो ऑप्शन है वो बढ़ा दिया है, तो शायद रन ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे। ड्राइव चलिए, और फील्डर थोड़ा हम लोग दोनों के लिए एग्रेसिव ही रखते हैं स्टार्टिंग में। मुझे नहीं चाहिए कि मैं अगर बाउंड्रियाँ खाऊँ तब भी चलेगा, लेकिन मुझे एग्रेसिव फील्डिंग के साथ ही बॉलिंग करनी है। पर ड्राइव तो तेरा विकेट स्किल है यार, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या स्कैम है। ड्राइव तो इसका विकेट स्किल है, और ये इतनी बढ़िया कर ले रहे हैं, तो क्या स्कैम है ये। लग गए होगा कि एज लगा, हमने इतना अच्छा बॉल किया और वो हाथ में गया किसी फील्डर के, और ये सेशन खत्म होते हुए, आई थिंक फर्स्ट सेशन खत्म हुआ है। देखते हैं स्कोर कार्ड पहले सेशन के बाद है। स्कोर कार्ड 127 पर 4, 40 ओवर के बाद। मैंने बोला जैसे कि मैंने रन रेट थोड़ा बढ़ा दिया है एआई का, तो इसके वजह से ये रन आप देख रहे कि 3 के ऊपर से रन रेट चल रही है कब से। गलत जगह पे बॉल डाल दिया और बाउंड्री पहले ही बॉल पर। बढ़िया, गुड कमबैक। ओए चलो चलो, विकेट जल्द, बहुत नजदीक है, विकेट मिल जाएगी, थोड़ा सा और इंतजार, फिर विकेट मिलनी है हमें। ओ बॉलिंग बॉय, कहाँ थ्रो कर रहे हो भाई साहब, बॉलिंग इतनी बढ़िया करके फील्डिंग इतनी घटिया। ओए यार लग जा भाई स्टंप पे जाके, क्या प्रॉब्लम है। मॉन कम ऑन, एक स्टंप पे चले जी चले जाएगी बॉल। ओए यार भाई विकेट, अरे अरे खत्म, हमें तो विकेट ही नहीं मिली, उसके पहले ही टीम को लिटवा दिया पूरा। चलो अब हमारी बैटिंग आई है, ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा देर तक बैटिंग करें, और ये जो 150 दिख रहा है वो 50 कन्वर्ट हो जाए और एक सेंचुरी भी आ जाए हमारे नाम पे। पहली बॉल थोड़ी हम लोग आराम से खेलेंगे, टेस्ट मैच है तो उसके हिसाब से ही खेलेंगे थोड़ा, और मुझे पता था इसी का ओवर आएगा मेरे लिए। बहुत बड़ा गैप रखा है,
नहीं, बढ़िया बैट पे आ रही है बॉल। अच्छा मौका है हमारे पास एक कि अच्छे स्कोर को हम बना पाए, हमारी टीम की हेल्प कर पाए। अरे यार ये रिवर्स स्वीप की एबिलिटी को क्या हो गया पता नहीं चल रहा है मुझे। इतना अच्छा स्वीप और रिवर्स स्वीप करता था पहले मेरा प्लेयर और अचानक से अब। और ये बढ़िया ड्राइव ऑफ द मार्क, हमारा प्लेयर 2 रन मिलेंगे हमारे प्लेयर को ऑफ द मार्क होने के लिए यहाँ पर। चलो धक धक खत्म हुई थोड़ी सी, लेकिन अभी बड़ा स्कोर बनाना है उसके लिए धक धक अभी भी जारी है। देखते क्या हम बड़ा स्कोर बना पाते या नहीं। ये लीजिए भाई, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ। हे भगवान, टाइमिंग ही नहीं हो पा रही ढंग से रिवर्स स्वीप में। अब थोड़ी सी टाइमिंग अच्छी हुई और सिंगल मिल जाएगा। विकेट मत डाल देना रे भाई, नहीं तो ऐसे होता है मैं खेलता हूँ और दूसरे लोग विकेट डाल के चले जाते पटपट। विकेट मत डालो यार, थोड़ा खेलो मेरे साथ, कॉन्फिडेंस दो मेरे को कि मैं भी खेल पाऊँ सिंगल। बढ़िया बढ़िया, तो यार लेट हो गए। अब एक तो लेग स्टंप के बाहर से बॉलिंग कर रहे हैं, लेग साइड से बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल पिच होगा लेग स्टंप के बाहर और ये हवसदार पूछ रहा है, शर्म कर ले थोड़ा। बढ़िया शॉट, सिंगल मिलेगा फिर से, हम इस तरीके से आराम से खेलेंगे थोड़ा गेम में। ओए क्या कर रहा है, क्यों डांस कर रहा है उधर। हमारा कैप्टन पता नहीं क्या। और बढ़िया ड्राइव, पहला चौका आएगा ये। अच्छी बॉल आ रही है बैट पे, अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो रिवर्स स्वीप वगैरह करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है टाइमिंग में। बढ़िया बढ़िया, अच्छा चल रहा है आज का बैटिंग हमारा, थोड़ा बढ़िया टाइमिंग में हम खेल रहे हैं। और ये बढ़िया शॉट, और जिस जब गैप पकड़ा तब बाउंड्री ही मिलेगी हमेशा की तरह। और पहला अच्छा खासा हमारा जो रिवर्स स्वीप लगा वो टाइमिंग पे लगा। ओए बोल्ड हो जाता भाई, आराम से खेल थोड़ा, क्या कर रहा है दोस्त। बॉल आने तो दे तू तेरे तक, उसके बाद मारना, क्या इतनी घाई लगी तुझे ऐसे। रन ना मिले कोई बात नहीं, टेस्ट मैच है हम खेल लेंगे आराम से, अगर हमें अच्छा पार्टनर दूसरे एंड से मिल जाएगा, जिस तरह से हमारा कैप्टन खेल रहा है अभी उस तरीके से अगर वो खेल पाएगा तो हम रन मार लेंगे, रन मारने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओहो अरे यार ये कैप्टन आउट हो गया, जब तारीफ करो तब दूसरी बार आउट होकर दिखा के चले जाते कि भाई हम तुम्हारे तारीफ के लायक नहीं, हमारे तारीफ मत किया करो। बहुत बढ़िया शॉट उस बीच, ये लेफ्ट हैंड बॉलर जब आते हैं तो मुझे थोड़ा बैटिंग करने में मजा आती है, बिकॉज इजीली ड्राइव होता है, इजीली स्ट्रेट मारने मिलता है और आउट। इजीली ड्राइव होता है बॉलर और इजीली ड्राइव करके आउट हो गया। बहुत जल्दी खेल लिया था मैंने उसको, 17 रन पर आउट। हमारा बैट्समैन का बैटिंग फॉर्म कब आएगा वापस पता नहीं, ये तो भाई थोड़ा अजब गजब खेल हो गया। कितनी लीड बना चुके देखते, चल भाई शुरू हो जा। बाबा रे 151 रन की लीड बन चुकी है। विकेट्स मिल जाए भाई, विकेट्स तो मिल जाए थोड़े से, यहाँ तो ड्राइव होके बाउंड्री चली गई। मोहन भैया ने हमारा बढ़िया वेलकम कर दिया।
taking a bit of a risk here with a more aggressive field. बढ़िया well left. बढ़िया बॉलिंग करके कोई मतलब नहीं है, विकेट नहीं मिलेगा तो. Sees the ball sail through to the keeper and not one that's going to rattle the stumps. ओए विकेट आएगी, विकेट आएगी. चलो अरे यार कम ऑन गाइस, विकेट चाहिए अपने को. चल भाई विकेट ले ले मेरे प्लेयर, थोड़ा तो मेरे को थोड़ा आराम मिले ना. तू बैटिंग में चल रहा है ना तू बॉलिंग में चल रहा है. ले लो पहले बॉल पे बाउंड्री, उसके बाद सिंगल. 5 रन तो ऐसे ही आ चुके हैं. मार ले, थोड़ा मार ले ना भाई, मार ले. Good one too. Not many opportunities to score. गलत बॉल, गलत जगह यॉर्कर डाल रहा हूं मैं भी. Well, the communication's not great between these two. There's a lot of hesitation in their calls. On that occasion, looking for a second. In the end, a good decision not to go. पकड़ ले. Just threw the shot too early. Come on guys. एक विकेट की दरकार है सिर्फ. इस तरीके से मार के तो विकेट नहीं आएगी, चौका ही मिलेगा इस तरीके से बॉल डालेंगे तो. और बढ़िया फील्डिंग, फेंक 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 इधर फेंक. Good precision with the throw back from the deep. And they're away and nicely off the mark. ओए अहिला गया रे. सेटल डाउन, द टाइमिंग्स ऑफ दीस डिलीवरीज आर देयर टू बी हिट. टाइम फॉर कूल हेड्स. बढ़िया बॉलिंग. और विकेट्स लेने के लिए मेरे टीम के बॉलर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, और मुझे एक भी विकेट पहले इनिंग्स में तो नहीं मिली. इसी वजह से ये धपा धप सुला दिया सबको, मेरे प्लेयर्स ने, मेरे बॉलर्स ने, बाकी टीम के. एक मैं ही हूँ जो बॉलिंग कर में विकेट नहीं ले पा रहा और बैटिंग में बॉल रन नहीं मार पा रहा. पता नहीं कब कर पाऊँगा ये सब. ले भाई मार ले, थोड़ा जाने दे. Catch it. That's what for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No. इसको इधर हटाऊंगा तो साला उधर मारेगा. Need to move. भी चलेगा देखते. Captain going with an aggressive field. नहीं मिल रही है विकेट भाई, विकेट चाहिए अपने को. आउट आउट आउट. बिग अपील यार, बढ़िया ड्राइव कर रहा है. गुड वन इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द बैटर्स क्वाइट, जस्ट नीडेड टू टेक अ विकेट टू मेक इट एन एक्सीलेंट वन. और ये सेकंड सेशन, फर्स्ट सेशन डे 2 का खत्म होते हुए मैंने देखा ही नहीं. देखते थोड़ा टाइम खेल लेते, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे वीडियो को अभी भी. गलत बॉलिंग, बाउंड्री. You can't fault the bowling. बट नहीं, बाउंड्री छोड़ दे भाई. Too good. Wonderful front foot shot and there's no point in chasing that. The captain making some adjustments to the field here. Wait. Brilliant diving stop. Got hit to the boundary last ball and comes back with a dot. Waiting. भाई रख गया तेरे इन हरकतों के लिए फील्डर इधर मैंने.
तू तेरी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मुझे पता था। Unable to get the scoreboard moving. अरे यार कुछ भी बॉल डालू खेल लेता है। How was that? How was that? Loud appeal. अंपायर आउट तो देगा नहीं, कितना भी पूछ लो उसको। देख भी लेते क्यों आउट नहीं था। ओके ओके और ये हमारे बॉलिंग के टाइम पे तो पता नहीं हाउ पिच को क्या नशे हो जाते हैं, सब बॉल ऊपर से ही चले जाते हैं बाउंस करके, कोई बॉल ढंग से नहीं जाती स्टंप तक। या शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसकी वजह से ऊपर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे को। ओ यार गलत बॉल, मैंने फुल टॉस डालोगे तो कहाँ से विकेट मिलेंगे। अगर आपको यॉर्कर डालना है तो आपको ऑफ स्टंप पे उसको फिनिश करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका यॉर्कर सक्सेसफुल होएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक बार फिर बाउंड्री। वंडरफुल फ्रंट फुट शॉट एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन चेसिंग दैट। तो बॉलिंग भी ऐसे टाइम पे देते तब बॉल में स्विंग ही बची ना हो। A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Loud shout. Giving them absolutely क्या फायदा 35-36 ओवर के बाद बॉलिंग देके। चलो खत्म, और हमारे तीन लोग ऑलरेडी लुढ़क चुके। आनंद ने फिर दो विकेट ले लिए। ऑलरेडी हम प्रेशर पे कि हमारा फॉर्म नहीं अच्छा, और ऊपर से ये टीम भी नहीं खेल पा रही हमारी। कुछ कुछ शॉट्स अच्छे ऐसे खेल लेते लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है हमारे गेम को कि हम आउट हो जाते जल्दी। एक तो हम अटैकिंग बैट्समैन है, और अगर हम डिफेंस करने में जाएंगे तो यही होने वाला है। मुझे लगता है मुझे अटैक करके ही खेलना चाहिए, वही सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए। अगर मैं डिफेंस करने की कोशिश करते रहूंगा मैं आउट हो जाऊंगा उसके बीच में। बस यही तरीके से गेम खेलना पड़ेगा मुझे अटैक करते हुए। अगर अटैक करते हुए आउट हुआ तो कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन डिफेंस करते हुए आउट नहीं होना मुझे। बढ़िया तीन शॉट। Don't think it'll go all the way. Got the head right in line with the ball. A beautiful strike there down the ground. बस ऐसे ही खेलेंगे हम। बॉल मिलते ही हम उड़ा डालेंगे उसको। खेलना ही नहीं अब डिफेंड करके कुछ। बस सामने से कोई टिक जाए ये गेम जीता के मैं लेके जाऊंगा अच्छे से। दिक्कत नहीं आएगी मुझे कोई गेम जिताने में, अगर सामने कोई टिक जाता है मेरे साथ तो। आ जाओ भाई अभी T20 खेलते हैं तुम्हारे साथ हम। अरे ये लग गई, बच गए। ए यार संभल के भाई, मारना तो ठीक है मारते रहेंगे, लेकिन अगर गलती से एज लग के पकड़ लिया तो उधर ही खत्म हो जाएगा करियर। ये तो नहीं, ये तो कोई नहीं पकड़ पाएगा भाई। ये गया घर पे मेरे, सीधे धूले के स्टेडियम से डोमबेली के स्टेडियम में। क्यों भाई आ गया स्वाद, बड़ा सता रहा था मेरे को पहले इनिंग में। अरे लो भाई करियर खत्म। स्टार्ट मिलती और वो स्टार्ट कन्वर्ट नहीं हो पाती, ये कहाँ से आउट था यार।
जरा देखे तो हम कहां से आउट खाइए. Tried to push the scoring along and managed to do so for a while, but in the end, it's just one risk too many. It was an average sort of an innings we saw from them. You know just how rare it is, though, to see a batter of this caliber miss out twice. Oh, भाई इनका हर बॉल स्टंप पे फिनिश होता है, हमारा हर बॉल स्टंप के ऊपर से ही जाता है इस गेम में. पता नहीं ये क्या एल्गोरिथम है. और हमारी टीम जीत चुकी है फाइनली. पता नहीं था मुझे कि हमारी टीम जीत सकती है, लेकिन हमारी ये गेम तो यहीं पे खत्म हो गई है. तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही काफ़ी है. चैट मिलते हैं बाद में नए एपिसोड में आपके साथ में, अगली मैच खेलेंगे. तब तक के लिए सायोनारा.